हाय दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। आज मैं आपको बताने वाला हूँ ताजमहल के ऊपर कुछ ऐसे फैक्ट्स जो आपने शायद ही कहीं सुने होंगे। ताजमहल को कौन नहीं जानता भला, प्यार का सिंबल ताजमहल, सबसे ज्यादा लोगों पसंद आने वाली इमारत ताजमहल, वर्ल्ड के 7 अजूबों में से एक ताजमहल। तो आज हम बात करने वाले हैं उसी ताजमहल। आपको ये तो पता ही है ताजमहल भारत में ही है और वो आगरा में। और आपको शायद ये नहीं पता होगा कि ताजमहल का निर्माण का काम 1632 में शुरू हुआ था और 1653 तक चला था। ताजमहल को बनने में पूरे 22 साल लगे थे। ताजमहल को पूरा करने के लिए 22,000 मजदूरों ने काम किया था, जिसमें भारत के अलावा फ्रांस और तुर्की के भी मजदूर शामिल थे। ताजमहल मुगल सम्राट शाहजहां द्वारा बनाया गया था। शाहजहां ने 7 शादियां की थी। ताजमहल का निर्माण अपनी चौथी बीवी मुमताज की याद में करवाया था। मुमताज की मौत 14वें बच्चे को जन्म देते। ताजमहल का रंग दिन में सफेद, शाम को सुनहरा और सुबह गुलाबी दिखाई देता है। ताजमहल हर बार अलग अलग रंग में प्रतीत होता है। 1632 में ताजमहल को बनाने में 2 करोड़ रुपए खर्च हुए, लेकिन यदि अगर आज की बात की जाए तो इसमें लगभग 7,000 करोड़ रुपए खर्च हो सकते हैं। ताजमहल में एक हॉल है जिसकी चारों तरफ गुंबद है। पूरा ताजमहल संगमरमर से ही निर्मित है। 7 हेक्टेयर में बना यह स्मारक बहुत ही सुंदर है, जिसकी संरचना मुस्लिम धर्म के वास्तु के हिसाब से बनाई गई है। कहा जाता है इसमें लगा हुआ संगमरमर राजस्थान, चीन, अफगानिस्तान और तिब्बत से आया था। इसमें 28 तरीके के बेशकीमती पत्थर जुड़े हुए हैं। ताजमहल यमुना नदी के किनारे बना हुआ है। ताजमहल का आधार एक ऐसी लकड़ी पर बना हुआ है जिसे मजबूत बनाए रखने के लिए नमी की जरूरत होती है, और इस नमी को यमुना नदी ही बनाए रखती है। जिस तरह सफेद संगमरमर का ताजमहल शाहजहां ने अपनी बेगम के लिए बनवाया था, वैसा ही ताजमहल वह अपने लिए काले संगमरमर का बनवाना चाहता था, लेकिन उनके बेटे ने उन्हें ऐसा करने से रोक दिया और न मानने पर उन्हें बंदी बना लिया। ताजमहल दुनिया की सबसे ज्यादा देखे जाने वाली इमारत। हर रोज पूरी दुनिया से लगभग 12,000 लोग ताजमहल को देखने आते हैं। ताजमहल के निर्माण के समय शाहजहां ने इसके शिखर पर सोने का एक कलश लगवाया था। इसकी लंबाई 30 फुट 6 इंच थी। कलश करीब 40,000 तोले, जो कि अगर बात की जाए तो 450 किलोग्राम से भी ज्यादा सोने से बनवाया गया था। ताजमहल के मुख्य मार्ग के बीच जो फुहारे लगे हैं, वो किसी पाइप से नहीं जुड़े हैं, बल्कि हर फुहारे के नीचे एक तांबे का टैंक है। ये सभी टैंक एक साथ भरते हैं और दबाव बनने पर एक साथ ही पानी छोड़ते हैं। ताजमहल को 1857 में एक हमले के दौरान थोड़ा सा नुकसान हुआ था, लेकिन लॉर्ड कर्जन ने इसे 1908 में दोबारा ठीक करा दिया था, क्योंकि तब तक इसे विश्व भर में ख्याति मिल चुकी थी। ताजमहल में शाहजहां और मुमताज की कब्र के ठीक ऊपर एक खूबसूरत लैंप टंगा है। यह लैंप मिस्र के सुल्तान बेवर्सी सेकंड की मस्जिद में लगे लैंप की तरह है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलिएगा, और सब्सक्राइब के रेड बटन को दबाना भी बिल्कुल ना भूलना। साथ ही उस घंटी को भी बजा देना, जिससे कि नए वीडियो की जानकारी मिल जाए आपको। थैंक्स फॉर वॉचिंग कंप्लीट वीडियो।